तो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे हमने ऑलरेडी की हुई है। मैंने कहा कैसे, तो एक स्टूडेंट बोला कि अगर मान लो एक पत्थर है, आप ग्राउंड से एच हाइट पर ले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, कितनी MgH, तो हमने की हुई है। नहीं, वो कुछ अलग रिजल्ट था, वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, पर हमने उसको नाम तो वही दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं आपको आज के लेक्चर में ये बताऊंगा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है। MgH नहीं होता, तो फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये दूंगा कि MgH क्या होता है, राइट, ताकि आपको सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर जो स्टार्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से स्टार्ट है। हमने अभी तक क्या किया, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस किया। और क्या है फोर्स? अगर दो पार्टिकल्स M1 M2 सेपरेटेड बाय R, तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, G M1 M2 बाय R2, ये हमने कर लिया। सेकेंड टर्म जो आज हमने पढ़नी है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? देखो, जो अर्थ है उसके आसपास एक फील्ड है, फील्ड का मतलब जगह, स्पेस है, जिसमें अगर आप प्रेजेंट हैं तो अर्थ आपको खींच ही लेगी। अगर आप अर्थ के फील्ड में एंटर कर जाते हैं तो अर्थ आपको अट्रैक्ट करके ग्राउंड पे ले आएगी। हम ये बोलते हैं कि हम ग्रेविटेशनल पुल को या ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गए, अब अर्थ हमें नहीं खींच पाएगी। तो यानी कि एक ऐसा दायरा अर्थ के आसपास, एक ऐसा स्पेस जहां पर अर्थ हमें खींच सके, फोर्स लगा सके, हम क्या बोलते हैं, हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्रेजेंट हैं। पहला स्टेप क्लियर है, किसी जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप अर्थ के नज़दीक हैं तो आपको पुल ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा, लेकिन आप बहुत दूर जा चुके हैं तो पुल थोड़ा वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी करती है, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कम 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 होती जाती है, और बहुत दूर जाने के बाद तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो हम क्या मेजर करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, इसका सिंबल क्या है, E वेक्टर। ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ या दूसरा नाम ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, एक ही बात है, E वेक्टर। क्या है E वेक्टर? ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं? जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगी किसी भी मास को, उसको उस मास से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। जैसे करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल M और एक पॉइंट मास है स्मॉल m, जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनके बीच में फोर्स क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर इस पॉइंट पर मुझे ई बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बताओ, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या करवाया, फोर्स को किससे डिवाइड करना है, मास से। कौन से मास से? प्लैनेट के मास से नहीं, जहां पर आपको ई निकालना है वहां पर जो मास है उससे डिवाइड करना है। तो आपको यहां पर ई निकालना है, तो यहां पर क्या मास है, स्मॉल एम, इससे डिवाइड करना है। तो जब आप फोर्स लिखेंगे GMM by R square को स्मॉल m से डिवाइड करेंगे, स्मॉल m कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा E का। तो रूल नंबर वन, जब भी हम E निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वो स्ट्रेंथ में मास ऑफ प्लैनेट मैटर करता है, ऑब्जेक्ट का मास मैटर नहीं करता, क्योंकि फील्ड लगा कौन रहा है, प्लैनेट। तो E के फॉर्मूले में कौन मैटर करेगा, प्लैनेट का मास मैटर करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, इसलिए ऑब्जेक्ट का मास यहां से चला जाएगा। तो इसका जो E का फॉर्मूला बना वो क्या बना, GM by R square, लेकिन मास कौन सा लेना है, प्लैनेट का मास लेना है। अब इसमें आप अगर नोट करें, बड़ी अजीब सी बात है, पहले हम फोर्स लेते हैं, फोर्स में दोनों मासेस लेते हैं, फिर इस मास से डिवाइड कर देते हैं, वो मास कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब जहां पर E निकालना है वहां पर कितना मास पड़ा हुआ है वो तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नहीं E में, तो एक फालतू स्टेप है, पहले मास लो फिर मास से डिवाइड करके कैंसिल करो, इसका मेथड टू। हम क्या करेंगे, ई निकालने का एक शॉर्टकट लेंगे। शॉर्टकट क्या, ये मास ऑफ प्लैनेट है, आपको यहाँ ई निकालना है, चाहे जितना मर्जी मास पड़ा हो यहाँ पे, जहाँ आपको ई निकालना है, आप सिंपली वहाँ पर उस मास को भूल जाओ, क्योंकि वो तो कैंसिल होने ही होने हैं। आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर यूनिट मास पड़ा हुआ है, बस वन, ओनली वन मास पड़ा हुआ है, और आप इनके बीच में फोर्स निकाल दो, क्या होगी, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये ई का फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया, मतलब एक्चुअल मेथड तो वही है, फोर्स को मास से डिवाइड करना, पर न्यूमेरिकल में एक एक्स्ट्रा स्टेप है, पहले मास लो छोटा एम, फिर छोटे एम को काटो, इससे अच्छा छोटा एम लो मत,
आप सिंपली इसमें प्लस वन ले लो और फोर्स निकाल दो, सीधा ई आ जाएगा। तो आपको इन दी एंड ई का फॉर्मूला आ गया। तो ई का फॉर्मूला क्या है, जी प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डन, क्लियर। इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा प्लैनेट का मास होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड उतनी ज्यादा बड़ी होगी। बड़ा प्लैनेट ज्यादा ई लगाएगा, छोटा प्लैनेट कम ई लगाएगा। बाय डेफिनेशन डिवाइड बाय एम की है। उसका ये भी एक और रीजन है। मान लो जहां पर ई निकालना है, वहां मैं जाऊं, आप जाओ, या कोई छोटा मास जाए, तो वहां पर ई जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हमारा मास है। वहां अर्थ का फील्ड स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है, वहां तुम जाओ चाहे मैं जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उस मास को उड़ाना जरूरी है, इसलिए डिवाइड बाय मास की है। अर्थ के अंदर फील्ड की बात हो रही है, अर्थ के आसपास जो फील्ड है वहां पर, जहां पर अर्थ आपको खींच सकती है वहां पर। जहां अर्थ खींच नहीं सकती वहां तो यार फिर स्मॉल आर, तो फिर तो स्मॉल आर इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, बहुत दूर चले गए तो ई तो वैसे ही जीरो हो गया, फील्ड जीरो हो गया। तो अर्थ के दायरे के अंदर बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, 10 किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है, जहां पर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो फॉर्मूला क्लियर है। तो अब हमने दो फॉर्मूले कर लिए। पहला फॉर्मूला फोर्स का कर लिया, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमने ई का कर लिया, जी प्लैनेट का मास बाई आर स्क्वायर। इसके यूनिट जो होते हैं, क्योंकि ई की बेसिक डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट मास, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर केजी। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है एग्जांपल। अगर मान लो आपको ई, आपको एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब हमने ई भी कर लिया और एफ भी कर लिया, अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे फोर्स के भी और ई के भी। तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फिर करते हैं, कि अगर आपके पास दो मासेज हैं M1 M2 और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इनके बीच में रास्ते में। मान लो x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस r माइनस x है, जहां पर मैं ये मास m रखूं और इस m के ऊपर नेट फोर्स जीरो आ जाए, राइट। तो मैं इस मास को कहां रखूं कि नेट फोर्स जीरो आ जाए। अब मान लो मैंने इसको x डिस्टेंस पे रखा, अब मुझे पता है कि m जो मास है इसको कौन खींचेगा, m1 खींचेगा। तो ये वेक्टर यहां बनेगा फोर्स का, अट्रैक्टिव फोर्स है कितनी, जी m1 इंटू m डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, फोर्स लग गई टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे ही इसको m2 भी खींचेगा बाय अ फोर्स ऑफ जी m2 इंटू m डिवाइडेड बाई r माइनस x का होल स्क्वायर। अगर आपको ये पता है कि स्मॉल m को एक फोर्स राइट लग रही है, एक फोर्स लेफ्ट लग रही है, और नेट फोर्स क्या करनी है, जीरो, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। इक्वल करके x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था मून और अर्थ वाला। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे सोचना है कि जब नेट फोर्स को जीरो करना है तो कैसे सोचना है आपने। तो आपने ये देखना है कि किस पे नेट फोर्स जीरो करनी है, इस पे करनी है, तो इसको फोर्स लगा कौन रहा है, M1 लगा रहा है और M2 लगा रहा है। तो अगर दोनों की फोर्सेज आपस में इक्वल हो जाएं और ऑपोजिट हो जाएं, तो नेट फोर्स अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इसके ऊपर जीरो, ठीक। तो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसी टेक्निक है सिर्फ। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, फिर से M1 M2 दो मासेज हैं सेपरेटेड बाय r। मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट e जीरो हो जाए। अब फोर्स जीरो ना हो जाए, क्या जीरो हो जाए, e जीरो हो जाए। अब e इज अ वेक्टर क्वांटिटी, e वेक्टर है, और रूल नंबर टू, e की जो डायरेक्शन है ना, क्योंकि e का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो e भी अट्रैक्टिव है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन e की भी होगी, सेम होगी। तो अब अगर क्वेश्चन में ये है कि M1 M2 दो मासेज हैं सेपरेटेड बाय r, मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है x डिस्टेंस पे, ताकि उस पॉइंट पर नेट e जीरो हो जाए। अब रूल नंबर वन, जहां e निकालना है वहां पर मास क्या लेना है, वन। तो डिसाइड ही कर लिया, मास m लेना ही नहीं, मास m ले सकते हैं पर वो एक स्टेप एक्स्ट्रा करेगा, तो कुछ नहीं करना। मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर नेट e जीरो है, तो यहां पर मास क्या एज्यूम कर लिया, वन। अब यहां पर e लगाएगा कौन, साथ के प्लैनेट्स लगाएंगे, साथ के मासेज लगाएंगे, ये खुद तो लगाएगा नहीं अपने ऊपर। तो M1 यहां पर E लगाएगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है, E भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। और कितनी, E की वैल्यू होगी जी M1 डिवाइडेड बाय X2, जी M1 बाय X2। और उसी तरीके से M2 भी इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से E भी राइट की तरफ होगा, कितना, जी M2 डिवाइडेड बाय R माइनस X का होल स्क्वायर। और अगर आप ये चाहते हैं कि नेट E जीरो हो जाए, तो लेफ्ट और राइट का E आपस में क्या कर देना है, कैंसल आंसर। तो आपने एक चीज नोट की,
ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें एक मास एम लेना पड़ता है क्योंकि फोर्स में दो मासेज इन्वॉल्व हैं। ई के अंदर और भी आसान है क्योंकि ई जहां पर निकालना है वहां मास प्लस वन ले लेना है और आसपास के मासेज का ई निकाल के उन्हें कैंसिल इक्वेट करके नेट ई क्या कर देना है। एक्चुअल में तो सेम ही है, क्यों? क्योंकि यहां पर एम और एम भी क्या हो गया था, कैंसिल। एक्चुअल में ई इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है ना, तो जहां नेट ई जीरो है वहां नेट फोर्स भी जीरो ही होगा, इसलिए दोनों के सोल्यूशन में ज्यादा अंतर नहीं है। पर लेकिन हाँ, करने के स्टाइल में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि इसमें हम मास लेंगे ताकि फोर्स शो कर सकें और इसके अंदर वन लेंगे क्योंकि जहां ई निकालना है वहां वन मास लेंगे, इजी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो फर्क समझ में आ रहा है दोनों में। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।